अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स एवरी व्लॉग। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा, हम लोग जो हमारा सेफ्टी रूम है ना, उसके पास टेंटों की सेफ्टी लगाने हैं, क्योंकि उसके नीचे से एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, अंदर धुंध भी जाती है, जानवरों को सर्दी लगती है। उसके अलावा जो हमारी छत है उस पर बिल्लियाँ आती हैं, शिकार करने वाली बिल्लियाँ, तो वो नीचे से आराम से घुस सकती हैं। वहाँ पर हम लोगों ने आज सेफ्टी लगानी ताकि हमारे एनिमल्स फुल सेफ्टी के साथ रहें और सर्दी ना आ जाए, अंदर धुंध ना आ जाए। रात को बहुत धुंध होती है बहावलपुर में। जल्दी से चलते हैं अपने मिनी जू। तो गाइस देख सकते हैं, ये हम थोड़ी ईंटें लेके आए हुए हैं। मैं इधर सेफ्टी रूम की सेफ्टी के लिए थोड़ी सी ईंटें को सीमेंट का प्लास्टर कर देंगे, क्योंकि अपने पास बहुत सारा सीमेंट और रेत पड़ी हुई है। और ये हमारा एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, और ये हमारी क्यारी, इनका भी जल्द से जल्द काम शुरू कराते हैं, अभी थोड़ा बजट सेट नहीं हो रहा। और गाइस इतनी सर्दी है, देखें आसमान में इतनी भी फिलहाल धुंध है ना, खास पता नहीं चल रहा। और ये हमारी मुर्गियाँ देखें, माशाल्लाह फुल तंदुरुस्त हैं। और गाइस देख सकते हैं, ये हमारे पास देखें, एक तो ये है, ठीक है, हमारी क्यारियाँ माशाल्लाह फुल अच्छे से जा रही हैं वो पौधे। गाइस कल भी हमला हो गया था हमारी फसल पे, ठीक है। और गाइस सेफ्टी रूम में आपको विजिट कराता हूँ, छोटे यान भी आ चुका है, और साथ यार ये हमारी थोड़ी मुर्गियों तो कम गर्मी लगती होगी। देखो मुझे लगता है लड़ती हैं, देखें पर कितने तोड़े हुए हैं, उनका दाना पानी भी करते हैं। और ये हमारे यार लाइट चला दो जाफा भाई। गाइस तो गाइस बिजली गई हुई है, वरना ये 24 घंटे चलती रहती है। और गाइस ये देखें, ये हमारी बजरी तीन तीन आराम से, मुर्गियों ने इनको बहुत तंग किया, वो ऊपर चढ़ जाती हैं पिंजरे के, और ये बेचारी डर जाती हैं। तो गाइस जाफा देखें, यहाँ पे बट्ठा हमारे पास छोटे वाला था, यहाँ पे मसाला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी रूम की फुल सेफ्टी करनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे जाफा इसको मसाला तैयार कर रहे हैं, और फैजान भाई यहाँ पे पौधों को पानी दे रहे हैं, सूखे हुए थे, मैं यही नोट कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाए। और गाइस आज है ना 8 बजे रात को ना लाइव स्ट्रीम है, आप लोगों ने सबने लाजमी ज्वाइन करनी है हमारी लाइव स्ट्रीम, उसमें हम लोग डायमंड गिव अवे कर रहे हैं, वो भी 50,000। तो गाइस जाफा दरमियान में पानी डाल रही है, देखें ध्यान से यार पानी बाहर ना निकले। और ये छोटा यार मुर्गियों ख्याल रख रहे हैं कि बाहर ना आ जाए, और यार अंदर काम कर रहे हैं। क्यों यार ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि हमारा गुलाब आ रहा है, और वो अगर टूट गया तो हमें बहुत दुख होगा। तो फिजान भाई ने इस क्यारी को भी पानी दे दिया, ये देख सकते हैं यार, देखो वाला हमारा नया गुलाब आ गया माशाल्लाह। तो गाइस अभी अभी मुर्गियों ने हमारे वो जो गुलाब नया खिला है ना, उसके ऊपर हमला कर दिया था। छोटा यान अब उनकी फुल सेफ्टी कर रहे हैं, देखो एक मुर्गी। तो गाइस उसके अंदर है ना मिक्स सही से नहीं होता, जाफा इधर नीचे मिक्स कर लिया, अब जाफा उसमें डाल रहा है, फिर उधर हम काम शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ इधर मुर्गियों के था ना दाने का नया फ्रेम बना दिया, क्योंकि जो मुर्गियाँ हैं ना वो दाना खराब बहुत करती हैं, वहाँ पे वो नीचे चला गया, हमने कहा इधर से आराम से खाया करेंगी दाना मुर्गियाँ। कैसा लग रहा है? आपने कमेंट में लाजमी उठाना है, अगर कोई चेंजिंग है तो बताएं जी। तो गाइस काम शुरू हो गया, टाइलें थोड़ा मुश्किल होगा, पर जाफा भाई ने काम फुल शुरू कर दिया, पहली ईंट बिस्मिल्लाह हमारी लगी है माशाल्लाह। तो गाइस ये देख सकते हैं किस तरह जाफा भाई पहले फुल ईंटें बिछा रहे हैं, ईंटें ला दो छोटे यहाँ इसको। और यार ये देखें यहाँ पे हमारे फुल अच्छे से यहाँ पे काम हो रहा है, ये देखें माशाल्लाह। तो गाइस ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इतना जा रहे हैं हमारे, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि मुर्गियाँ चली गई, हम लोग सेफ्टी रूम में नहीं थे, अभी भी मैंने आवाज़ इनकी रिकॉर्ड किया, आप लोगों ने सुनी होगी, इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं ये लोग हमारी बजरी तोते। तो गाइस अयान हमें बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि आप लोगों, हमारे पास केज है नहीं रैबिट का, रैबिट ले, रैबिट ले, उसने ओलेक्स पे देखेंगे, ओलेक्स पे ज़्यादातर स्कैम होता है, वो नाराज़ होकर चला गया घर। मैंने कहा जो जाते जाए तूड़ी बिछाई हुई है, रैबिट इतनी ज़्यादा स्मेल करते हैं, वो पूरी तूड़ी फिर हमें रोज़ डेली चेंज करनी पड़ा करेगी, काम ही बहुत है, सर्दी इतनी ज़्यादा है। मैंने कहा रैबिट नहीं लेके आने, वो इस तरह कही जा रहा है रैबिट लाओ रैबिट लाओ। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया, देखो उधर सारा प्लास्टर हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। हम कह रहे हैं यहाँ पे ये जो एक ईंट रहती है ये भी हो जाए साथ, ये जो है ना पानी डाल के पतला करके ये दीवार भी अंदर से हम कवर कर देते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं थोड़ी सी तोड़ी थी हमारे, अगर हम वो ले आए हैं ये अंदर सेफ्टी रूम के बिछा देते हैं जल्दी से। तो गाइस इधर थोड़ा काम रहता था, छोटा यान धो रहा है, और मैं चाहता हूँ ये देखें छोटा यान इधर सफाई कर रहा है, और मैं मुर्गियों को जाकर देखता हूँ यार इधर किधर आ रही हो। तो गाइस इतना सा सीमेंट बचा हुआ है, उजाफा लोगों के कारी साहब आ गए हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं घर चलते हैं, और ये उजाफा कर देगा काम, और इस व्लॉग का हम लोग इधर ही एंड करते हैं। और गाइस हमने टर्टल पाउंड का नक्शा बना लिया है, कल के व्लॉग में हम आपको नक्शा रिवील कर देंगे, और कल से टर्टल पाउंड का इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस घर तो आ गए थे, मिस्टर अलादीन हाउ आर यू मिठू, आ जाओ।